ये देखिए एक स्लाइस को मैंने यहाँ पर काट के रखा है। मार्बल इफेक्ट कितना अच्छा इसमें आया है और कितना स्पॉन्जी और फ्लफी ये केक बना है, एकदम सॉफ्ट ये केक बना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद नीता। आज हम बनाने वाले हैं कटोरी केक। कटोरी केक हम बनाएंगे इस स्मॉल कटोरी के अंदर। फटाफट आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर बता देती हूँ मैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप ऑफ शुगर। हम इसमें यूज़ करेंगे 1/4 कप ऑफ ऑयल। अगर आप एगलेस बनाना चाहते हैं तो 1/2 कप कर्ड यूज़ करिए। फिर ओके विद एग्स, आप यहाँ पर 2 एग्स यूज़ कर सकते हैं। We would also need 1/4 cup of water. So let's make a marble cake today. मार्बल केक बनाएंगे, इसलिए कोकोआ का भी बैटर हमें बनाना पड़ेगा। उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोआ पाउडर एंड 2 टीस्पून ऑफ वाटर। आइए बनाना शुरू करते हैं। हमें रखते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर कढ़ाई में बना रहे हैं ये केक तो आप कढ़ाई को भी गर्म होने रख दीजिए 10 मिनट के लिए 2 फ्लेम पर। Ingredients. इसमें ऐड कर दें एग्स, के बाद इसमें डाल दें ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी यूज़ करेंगे, 1/4 कप पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएं एक स्मूथ बैटर रेडी करने के लिए। देखिए बैटर एकदम रेडी है। इस तरीके का कंसिस्टेंसी आपका बैटर का होना चाहिए। अब इस बैटर को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया है मैंने। यहाँ पर इज द कोकोआ पाउडर, ये 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर मैंने लिया है। 2 टीस्पून ऑफ वाटर, मिक्स इट वेल। अब इसको मिला दें, ऐड कर दें, अच्छे से मिला दें। रेडी इट इज रेडी है। अब अपनी कटोरियों को हम ग्रीस करेंगे। इस तरह से ऑयल लगा दें, अब डस्ट करना है कटोरियों को चारों तरफ से। इस तरह कटोरियां डस्ट हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके बैटर इनमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून तीनों कटोरियों में डालें। इस तरीके से लेयर्स बनाते चले जाएं। इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आइए आप इस तरीके से डिजाइन बना दें इसमें। सी इट्स प्योरली ऑप्शनल। इफ यू वांट टू मेक अ सिंपल केक, आप सिंपल केक भी बना सकते हैं। ये देखिए प्री हीटेड कढ़ाई में ये मैंने तीनों लगा दी हैं। अब इनको ढक देंगे और 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमें पका रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर पकाएंगे आप फॉर 30 to 40 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स लेट्स चेक आ केक। ये देखिए केक फूल चुका है। एक बार टूथपिक इंसर्ट करके हम चेक करते हैं। इट कम्स आउट टू बी क्लीन, दैट मीन्स ये तो बन गया है। अब इसको ठंडा होने दें, उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट ये केक बना है। अब करेंगे इसको डीमोल्ड। हम करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, नाइफ को इस तरीके से रन थ्रू कर दें ताकि ईजिली निकल जाए। देखिए ये वैसे ही निकलने लग पड़ा है। इसको टैप करेंगे हम, टैप कर दें एंड डन। देखिए केक इजीली बाहर निकल गया है हमारा। सर्व करने से पहले चाहे तो चॉकलेट गनाश ऊपर से डालें, या फिर आप यूज कर सकते हैं हर्शीज का सिरप। होगी इजी टू मेक रेसिपी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय फॉर नाउ।